हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इंसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में जो एक्सपेक्टेड मूव था बिटकॉइन का, वैसा ही कुछ देखने को मिला। वीकली कैंडल जो हमारा क्लोजर हुआ, वो भी कह सकते हो बाउंड्री के ठीक ऊपर हुआ है, जो कि अच्छा माना जाएगा। एंड साथ ही साथ आज जब से सुबह हुआ मंडे मॉर्निंग की, तब से जो है थोड़ा बहुत मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हमें एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए एंड इसका ओवरऑल इंपैक्ट बाकी के ऑल कॉइंस पे क्या पड़ सकते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर उसकी तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा, मेरे चैनल क्रिप्टो इंसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इंडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, किसी प्रकार की लेन देन की बात नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कर दीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। इस चैनल पे जो भी मैं बातें करता हूं, चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो या फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे, वो सारी चीजें जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूं। मेक श्योर कीजिएगा कि इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। एंड ये भी याद रखिएगा कि अगर आप मेरे टीए के बेस पे कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ओपन करते हो, तो अपना जो रिस्क और रिवार्ड वो आप खुद ही मैनेज करोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कराई जाती है। तो दोस्तों, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है, चाहे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम के लिंक है, उन सबको अगर फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरी वेबसाइट cryptoinsidertea.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, आप बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और हर रोज की तरह सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का क्लोजर कल के दिन कहां पे मिला, अगर आप देखोगे तो कल मैंने आपको कहा था कि क्वाइट पॉसिबल कि हम इस रेंज को हिट करें 34,000 के अराउंड में, एंड हाईएस्ट वही नहीं गया, $34,635 तक गया कल के दिन। एंड जो क्लोजर बनाया वो $34,258, जो कि वाकई बहुत अच्छा कहा जाएगा क्लोजर। एंड ओवरऑल अगर मैं देखूं तो RSI में जो है कल के क्लोजर जो हुआ था, वो इस व्हाइट लाइन के अपसाइड हो गया, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा डेफिनेटली। और आज क्या हो रहा है, उसके बाद भी हम कंटिन्यूसली अपसाइड मूव कर रहे हैं। और अगर इस आप लॉन्ग टर्म जोन को देखो, जो कि अभी बहुत दिनों से RSI में बना हुआ है, हम इस जोन से बाहर निकले तो हैं दो या तीन जगह पे, लेकिन कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिला है। तो आज क्या हमारा कैंडल क्लोजर होगा अपसाइड? अगर आज का कैंडल क्लोजर हो जाता है गाइस अपसाइड, यानी कि जिस पोजीशन पे हम अभी हैं वहां पे, या फिर अराउंड 50 या 50 के, तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। एंड उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज है, मेरा मानना है कि इट क्वाइट पॉसिबल कि अगले दिन यानी कि कल या परसों के दिन हमें रिजेक्शन मिले एंड हम वापस से व्हाइट लाइन को रीटेस्ट कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आज का क्लोजर जो है वो हमारा 50 के बिलो मिलता है या 50 के अबव। अगर 50 के बिलो मिलता है, इट क्वाइट पॉसिबल कि हम साइडवेज एक्शन दिखाएंगे एंड वर्स्ट सिनेरियो में हम इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं, इस चीज को माइंड में रखना। अगर हम 50 के ऊपर जाते हैं एंड वो एज ए सपोर्ट काम करता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि यहां से अब ये नीचे नहीं, अभी शॉर्ट टर्म में भी ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 50 का लेवल क्रॉस करना एंड इसके ऊपर क्लोजर लेना एंड एटलीस्ट दो या तीन दिन उसके ऊपर मेंटेन करना, अगर हमें 42,000 का लेवल बिटकॉइन जो है वो जल्दी से जल्दी चाहिए तो। एंड सकोष्टिक RSI की बात करूं तो सकोष्टिक RSI मैंने दो दिन से कहा था कि इट क्वाइट पॉसिबल कि यहां पे साइडवेज एक्शन दिखे एंड ये अपवर्ड मूव यहां से दिखा है, एंड वैसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। एंड डेफिनेटली अभी अगला जो लगभग 24 to 48 आवर्स है, मुझे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है बिटकॉइन। इट क्वाइट पॉसिबल कि हमें जो बिटकॉइन है वो 35,000 के ऊपर भी क्लोजर देखने को मिल जाए आज के दिन। एंड MACD की बात करूं तो MACD ऑब्वियसली हमारा, अगर वनडे के चार्ट की बात करूं तो अभी जब से बॉटम बना था उस लेवल के बाद से काफी अच्छा मूव माना जाएगा। हमारा जो ब्लू लाइन है वो ऑलमोस्ट -665 के अराउंड में चल रहा है, वही रेड लाइन -867। एंड याद रखना, हम जो थे अप्रैल के मंथ में काफी पॉजिटिव साइड में थे, अभी जब डंप आया था तो हम निगेटिव हो गए थे -4,000 में, जो कि अभी तक का हाइएस्ट ड्रॉप था MACD लेवल पे। इट क्वाइट पॉसिबल कि हम जीरो के ऊपर जैसे ही जाते हैं, उसके बाद एक एक दिन जब हम ग्रीन कैंडल प्रिंट करेंगे, वो जो होगा सिग्निफिकेंट मूव दिखाएगा अपसाइड की तरफ बिटकॉइन का। तो अब काफी क्लोजर आ गए। इट क्वाइट पॉसिबल कि इस वीक के एंड होते होते हमारा MACD जो है, जिस हिसाब से चीजें चल रही है, इट क्वाइट पॉसिबल कि हमारा MACD ऑलमोस्ट जो है इस लेवल के आसपास, यानी कि जीरो के आसपास जो है पहुंचने वाला हो जाएगा, जिस हिसाब से चीजें दिख रही है। अगर साइडवेज एक्शन दिखता है तो भी हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए -500 के अराउंड में MACD जाता हुआ कम से कम। तो ये अच्छे संकेत है जब से हमारा करेक्शन आया तब से। एंड वही बात करूं वनडे के चार्ट पे, तो वनडे के चार्ट पे आपको 21 EMA के ठीक ऊपर कल रीटेस्ट करता हुआ दिखा, फेल हुआ, हम ठीक उसके नीचे क्लोजर किए मंडे मॉर्निंग, यानी कि आज की सुबह जब से हुआ तब से हम कंटिन्यूसली इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो पीक बनाया हो वो $34,677 का बनाया, एंड अभी हम ऑन द स्पॉट ऑन द लाइन है। डेफिनेटली आज का क्लोजर, इट क्वाइट हाई चांसेस कि हम आज का क्लोजर जो है मोस्ट प्रोबेबली ग्रीन कैंडल ही बनाएंगे एंड हो सकता है 35,000 के ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे शॉर्ट आवर्स में कि एग्जैक्टली प्राइस एक्शन क्या पॉसिबिलिटीज है, लेकिन आपको वनडे के चार्ट पे एक चीज ध्यान दो कि ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग जोन की मैं बात कर रहा था कि जहां से रिजेक्शन मिल रहा था, अगर अभी उस ट्रेंड को देखा जाए तो हम उस ट्रेंड से बाहर आ चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये चीज कल के दिन कंफर्मेशन के साथ जब क्लोजर मिला है वो कंफर्म हो गया। परसों तक हम इस ट्रेंड लाइन के ठीक ऊपर चल रहे थे, कल के दिन हमने क्लोजर दिखाया उसके ऊपर और आज भी उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली 21 EMA वनडे के चार्ट पे हमें रेजिस्टेंस दे रहा है फिलहाल,
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, इट्स माय ओपिनियन, कि इट सीम्स कि ये यहां से अब अपसाइड मूव करेगा फॉर टू टेस्ट द हायर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, डेफिनेटली इसी वीक में हमें देखने को मिलेगा। तो क्या 30,000 पॉसिबल नहीं है अब? देखो मैंने आपको ये कहा हुआ है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग जोन अगर हम रीटेस्ट करते रहेंगे तो यस 30,000 भी पॉसिबल है, लेकिन अच्छी बात ये हो रही है कि हमारा जो कल का क्लोजर मिला है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजर था, एंड अभी आज का इंपॉर्टेंट क्लोजर इसलिए माना जाएगा अगर हम 21 ईएमए के ऊपर क्लोज करते हैं तो हाई चांसेस कि हम अपर लेवल को यानी कि 36,000 के लेवल को रीटेस्ट करने के लिए जाएं आने वाले 2 या 3 दिनों में, तो वो इंटरेस्टिंग होगा। एंड उसके बाद ही डिसाइड होगा कि क्या वहां से फिर से एक बार डिक्लिनेशन मिलता है या फिर हम जो है अपसाइड मूव कंटिन्यू रखते हैं, तो वो इंटरेस्टिंग होगा देखना। वीकली कैंडल क्लोजर की बात कर लेते हैं, वीकली कैंडल जो क्लोजर मिला है नॉर्मल चार्ट की बात करूं तो वो कह सकते हो एक हैमर कैंडल बना है जो कि बुलिश माना जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हैमर कैंडल हमें प्रीवियस के प्रीवियस वीक भी देखने को मिला था बट उसका ज्यादा कुछ मूव नहीं हुआ, लेकिन उसका जो टेल था वो काफी लंबा था, बट कल का जो है टेल काफी शॉर्ट है एंड काइंड ऑफ कंप्लीटली हैमर कह सकते हैं इसको, एग्जैक्ट हैमर, क्योंकि इसके उस दिन विक था इसके ऊपर बट इस कैंडल के विक बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि परफेक्ट जो कहते हैं आपका हैमर कैंडल वो है एग्जैक्टली टी शेप जैसा हैमर बना रहा है ये। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे हमें देखने को मिले रिवर्सल, बट एक चीज याद रखना कि इस जो जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है वो अकेले ही सिग्निफिकेंट जो चीजें हैं रिवर्सल वो कंफर्म नहीं करता, कंफर्मेशन हमें नेक्स्ट वीक यानी ये वीक का क्लोजर बताएगा। अगर हमारा इस वीक का क्लोजर जो है लगभग 35,300 से अबव मिलता है, याद रखना 35,300 से अबव मिलता है, तो इट हाई प्रोबेबिलिटी कि वी विल सी द यू नो अपसाइड मूव टुवर्ड्स द यू नो मे बी न्यू ऑल टाइम हाई, बट रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा वहां पे यानी कि इस वीक के क्लोजर पे। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इस वीक का क्लोजर कहां पे मिलता है, अभी तो वीक स्टार्ट ही हुआ है बट इट हाई चांसेस कि यहां पे रिवर्सल देखने को मिले। वहीं पे सीएमई गैप की बात करूं तो फ्यूचर चार्ट पे आपको मैंने कल के फ्राइडे के दिन आपको बताया था कि जो हमारा क्लोजर आया था वो अप्रॉक्सिमेटली डेफिनेटली 33,450 के अराउंड में आया था, लेकिन जो हाईएस्ट रीच हुआ था उस दिन वो अप्रॉक्सिमेटली $33,740 के अराउंड में हुआ था। तो जो अब से हमारा कैंडल ओपन हुआ तो एक छोटा सा सीएमई गैप बना हुआ है, उसको आप कंसीडर कर सकते हो, माइट भी अगले एक दो दिन में शायद वो वहां पे प्राइस रीविजिट कर सकता है। क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है अभी फिलहाल, मुझे इमीडिएटली नहीं फुलफिल करते हुए दिख रहा है, बट यस अप्रॉक्सिमेटली अगर मैं देखूँ तो लगभग कह सकते हो 34,000 तक आज के दिन सुबह में गया था प्राइस, तो 34,000 से लेके अराउंड में लगभग $250 से $300 का डिफरेंस बना हुआ, गैप बना हुआ। तो अगर बिटकॉइन ने यहां से कभी भी शो करता है रिवर्सल तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 33,700 के आसपास से बाउंस बैक, ये चीज जो है माइंड में लेके चलना पूरे वीक, बट अभी फिलहाल आज के दिन क्या हो सकता है वो आप बात कर लेते हैं। और अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे आपको लेके चलूं तो डेफिनेटली अभी आप देखोगे कि कंटिन्यूसली जो है हमारा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा था, एंड सुबह में अर्ली मॉर्निंग में हमें काफी तेज एक सर्ज देखने को मिला लगभग 2% का 1 आवर में, एंड वो कहां पे मिला? ऑन द स्पॉट लगभग 200 EMA लाइन के पास। तो इट सोर्स की है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मार्केट में अपसाइड जाने का, बट अभी उसके बाद से हमने काफी डाउनवर्ड मूव दिखाया एंड फिर अभी अपसाइड जाने की कोशिश की है। रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है ब्लू लाइन से, जब जैसे हम बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, एंड वो सेकंड टाइम आज टेस्ट कर रहा है 1 आवर के चार्ट पे। तो अभी फिलहाल जो सकोष्टिक आरएसआई चीजें दिखा रहा है इट क्वाइट पॉसिबल कि हम जो है अपसाइड ही जाएंगे आने वाले आवर्स में, बट अपसाइड जाने से पहले इट क्वाइट पॉसिबल कि वर्स्ट सिनेरियो में वापस से हम 34,100 के आसपास जा सकते हैं इन केस ऑफ वर्स्ट सिनेरियो, एंड डेफिनेटली जिस हिसाब से हायर लोस क्रिएट कर रहा है मुझे अभी जाता हुआ दिख रहा है वापस से ही रीटेस्ट करेगा 34,600 का लेवल आने वाले आवर्स में, एंड नेक्स्ट फोर टू एट आवर्स में अगर हम इस जोन से बाहर निकल जाते हैं सेफली 4 आवर के कैंडल्स पे गाइस, तो ये याद रखना कि इसके बाद जो है बिटकॉइन आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा काफी तेजी से, एंड डेफिनेटली 4 आवर का कैंडल क्लोजर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा सिग्निफिकेंट मूव जो है 4 आवर के कैंडल पे ही आपको दिखेगा। फिलहाल जो है सकोष्टिक आरएसआई ऊपर डेफिनेटली बना हुआ है 4 आवर के कैंडल पे, एंड आप देखोगे 4 आवर के कैंडल पे भी हमारा आरएसआई कहां से बाउंस बैक किया, एग्जैक्टली व्हाइट लाइन के ठीक ऊपर से, जो कि बहुत अच्छी बात है, एंड अभी फिलहाल साइडवेज एक्शन दिखा रहा है, इट क्वाइट पॉसिबल अभी लगभग 3.5 घंटे बाकी हैं, तो डेफिनेटली ये कैंडल जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि माइट बी पॉसिबल कि रेड क्लोज हो या फिर जिस जगह पे ओपनिंग हुआ है उसी के आसपास हो, लेकिन अगला जो नेक्स्ट 2 या 3 कैंडल है उसमें हमें देखना है कि इस रेंज के बाहर हमारा क्लोजर मिल पाता है क्या 4 आवर के कैंडल पे। अगर हमारा 4 आवर का कैंडल इसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो लगभग अराउंड 35,300 के अराउंड में होगा, इस चीज को माइंड में लेकर चलना है। एंड अभी ये जो ब्लू लाइन से अगर हम बाहर निकल जाते तो ये अभी रेजिस्टेंस दे रहा है और बाद में ये हमें एज ए सपोर्ट काम करेगा। इंटरेस्टिंग होगा आने वाले नेक्स्ट 2 to 4 कैंडल्स यहाँ पे कैसे बिहेव करता है। मेरे हिसाब से 1 आवर के चार्ट के हिसाब से जो भी चीजें दिख रहा है इट क्वाइट पॉसिबल कि वी विल सी कि अपसाइड ग्रोथ हो और वापस में हम इस लाइन को इस जोन को एज ए सपोर्ट काम करें। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ आपका
अगर मैं बात करूं ईएमए रिवन की, तो डेफिनेटली ईएमए रिवन जो है 4 आवर के चार्ट पे अभी शॉर्ट के पोजीशन में बना हुआ है, लेकिन अगले 2 या 3 कैंडल अगर हम इस जोन में ट्रेवल करते हैं तो हम वापस से यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना लेंगे 4 आवर के चार्ट पे। वही 1 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली हम ग्रीन हो चुके हैं, हमारा जो मोमेंटम है अभी वो अपसाइड है, और डेफिनेटली मुझे अभी फिलहाल जो है आने वाले नेक्स्ट 4 to 8 आवर्स वो मुझे साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड जाते हुए दिख रहा है। और डेफिनेटली 34,600 का लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि आगे कैसे प्रोसीड करता है। बट जहां तक सकुष्टी को आरएसआई की बात हो, या आरएसआई की बात करो या मैकडी की बात करें, इट हाई प्रोबेबिलिटी कि वी विल सी द अपवर्ड मूव रादर देन डाउनवर्ड मूव थ्रू आउट द डे, तो इंटरेस्टिंग होगा देखना। एंड वहीं अगर मैं 4 आवर के चार्ट की बात करूँ तो वापस से मैकडी जो है पॉजिटिव में आ गया है। एंड डेफिनेटली अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हम 359 का लेवल जो लास्ट अभी रिसेंटली पॉजिटिव में आया था, क्या उसको क्रॉस कर लेते हैं। अगर हम उससे क्रॉस करके अपसाइड मूव दिखाते हैं तो वो अच्छा माना जाएगा। एंड अगर उससे पहले रिजेक्शन आता है तो गाइज अभी भी फिर माइंड में लेके चलना कि 30,000 अभी भी पॉसिबल है वर्स्ट केस सिनेरियो। ओके, बट आने वाला जो नेक्स्ट 4 to 8 कैंडल्स है आपका 4 आवर के चार्ट पे, वो डिसाइड कर देगा कि क्या हमारा वीकेंड का क्लोजर अराउंड 38,000 के ऊपर होगा या नहीं इस वीक। एंड इंटरेस्टिंग लेवल होगा देखना 35,300 का लेवल जो मैंने आपको बताया है डेफिनेटली। एंड ये भी याद रखना, जो लेवल्स की बात मैंने की हुई है कि सबसे हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस जोन की बात की हुई है मैंने, उससे कहीं ना कहीं बाहर आता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस डाउनवर्ड स्लोपिंग जोन से बाहर आता दिख रहा है, नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मैंने बताया हुआ है। उसके बाद भी अगर अपसाइड जाते हुए देखते हैं तो हमारे डेफिनेटली 37,000 36,000 से लेके 37,000 के बीच में हाई रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो वो अभी टाइम है देखना देखना होगा कि उससे पहले नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में क्या हमारा RSI 50 से अबव क्लोजर ले पाता है। एंड अगर नहीं ले पाता तो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर डिप बिफोर वी विल सी रैली टुवर्ड्स द अपसाइड। इस चीज को माइंड में लेके चलना। तो ये हो गया बिटकॉइन की बात। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस। जी हाँ, बिटकॉइन डोमिनेंस पे क्या चीजें चल रही। आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो अभी सपोर्ट लेवल है वो कंटिन्यूसली अभी भी मेंटेन है। एंड डेफिनेटली जो ईएमए लाइन है उसके ठीक ऊपर बने हुए हैं वन डे के चार्ट पे। कल के दिन भी क्लोजर हमारा ग्रीन कैंडल ही हुआ था। एंड जो कि थोड़ा बहुत हर्ट डेफिनेटली ऑल्ट कॉइंस को कर ही रहा है पिछले कई दिनों से डोमिनेंस चार्ट पे। एंड यस, आज का मूव जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें देखने को मिला है मामूली सा, बहुत ही निग्लिजिबल डाउनवर्ड मूव, बट अभी भी हम सपोर्ट लाइन के ऊपर है। आरएसआई हमारा 50 के ऊपर है एंड सकोस्टिक आरएसआई अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है। तो अभी वेट करना होगा, डोमिनेंस चार्ट अभी भी मुझे अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है एटलीस्ट कम से कम नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। यहाँ पे अगर डेफिनेटली मैं बात करूँ क्या यहाँ पे रिजेक्शन मिल सकता है, येट यस क्वाइट पॉसिबल, बट अभी हम ऊपर आ गए हैं तो देखना इंटरेस्टिंग होगा 50 के आसपास जब आरएसआई जाता है तो कैसे बिहेव करता है। एंड ऑब्वियसली पिछले 3-4 दिनों का मूव आपको पता है, बहुत ही मामूली बढ़त या फिर कह सकते हो रेड कैंडल हमें देखने को मिलता है डोमिनेंस चार्ट पे, और इसीलिए साइडवेज एक्शन जारी है। तो अभी कुछ भी कहना डोमिनेंस चार्ट पे जल्दबाजी होगा, बट यस वैसे तो अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखूं तो डोमिनेंस चार्ट को नीचे जाना है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है अभी रिलीफ देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत जो 1 आवर के चार्ट पे हमें देखने को मिला रिवर्सल, वो अभी वापस से बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है। एंड इट क्वाइट पॉसिबल कि आज के पूरे दिन भी हमें साइडवेज एक्शन देखने को मिल सकता है। कैंडल क्या पॉसिबल है, इट क्वाइट पॉसिबल कि हम जहां पे हैं वहीं के आसपास क्लोजर दिखाए या थोड़ा बहुत नीचे दिखा सकते हैं सेकेंड हाफ में, इट क्वाइट पॉसिबल, बट ओवरऑल अभी मुझे रिलीफ नहीं देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली हाई प्रोबेबिलिटी कि हमारा क्लोजर यहीं के आसपास हो, 46 के आसपास ही हो। एंड जब तक हमारा डोमिनेंस चार्ट नीचे की तरफ मूव नहीं दिखाता सिग्निफिकेंट, तब तक हमें ऑल्ट कॉइन में बीटीसी टर्म में ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। ऑल्ट कॉइन डेफिनेटली यूएसडी के टर्म में डिपेंड्स कि बिटकॉइन का रेट क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत अपसाइड मूव दिख जाता है ऑल्ट कॉइन्स में। वहीं बात करूं अब इथेरियम के चार्ट की, तो इथेरियम के चार्ट पे थोड़ा सा कह सकते हो कि रिलीफ देखने को मिल रहा है स्पेशली आज सुबह से, बट अभी बैक टू बैक हमारा कैंडल रेड कैंडल क्लोज हुआ है, सपोर्ट लाइन हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। नो डाउट हम आने वाले टाइम में या तो साइडवेज एक्शन दिखाएंगे या नीचे जाने वाले हैं, और वो मैंने आपको कहा हुआ है 2-3 दिन से। एंड डेफिनेटली अगर आरएसआई की बात करूँ तो ट्राई कर रहा है ये वापस से 50 को रीटेस्ट करने के लिए, जो कि अच्छी बात है। एंड लेकिन फिलहाल सकोष्टिक आरएसआई मुझे नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हमारा कैंडल इसी की जोन के आसपास क्लोजर मिले हमें इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। एंड अगर ग्रीन कैंडल मिलता है तो वो अच्छा मूव माना जाएगा डेफिनेटली, बट ये याद रखना वन डे के चार्ट पे हमारा लॉन्ग का पोजीशन जो है बिल्कुल नेक लाइन पे है, यानी कि अगर 2 या 3 रेड कैंडल आ जाता है तो ये लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट बनता हुआ दिखेगा। लेकिन क्या वो फेक आउट निकलेगा जैसे यहाँ पे निकला, तो वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जो आने वाले 1-2 दिन में ट्राई हो सकता है, जो लेवल रीटेस्ट कर सकता है 0.06 का लेवल रीटेस्ट करता हुआ मुझे डेफिनेटली दिख रहा है इथेरियम बीटीसी के चार्ट पे। एंड डेफिनेटली जो है 1 आवर के चार्ट पे भी ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट मूव देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि साइडवेज एक्शन जारी है। तो अभी भी हमारा 1 आवर के चार्ट पे हम शॉर्ट पोजीशन मेंटेन किए हुए हैं और हम देख रहे हैं रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो इट्स नॉट ए गुड साइन फॉर द इथेरियम बीटीसी चार्ट। तो जो लेवल मैंने बताया हुआ आपको वो डेफिनेटली रीटेस्ट होने वाला है आने वाले 1-2 दिनों में, एंड शॉर्ट पोजीशन 4 आवर के चार्ट पे भी है। तो डेफिनेटली अगर हमें रिवर्सल दिखाना है तो ऑब्वियसली हमें जो है 1 आवर के चार्ट पे डिफरेंट पैटर्न ड्रॉ करना होगा, लेकिन वो सब कुछ डिपेंड करेगा बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे। एंड बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि
अभी जो है मुझे साइडवेज एक्शन ही दिख रहा है, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि इसी जोन के आसपास क्लोजर हो सकता है। मे बी इट इट विल रेड क्लोज या फिर ग्रीन हो तो दिन के अंत में ही पता चलेगा, बट ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट मूव आपको इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे देखने को नहीं मिलेगा। इट क्वाइट पॉसिबल अनलेस एंटिल बिटकॉइन विल शो सम डायनेमिक मूव एंड डेफिनेटली जो लेवल बताया उस पर नजर रखना। एंड इथेरियम के यूएसडी चार्ट की बात करूँ तो डेफिनेटली हमारा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का जोन जो है वो कम्प्लीटली प्ले आउट हो रहा है आज के दिन। पिछले 4-5 दिनों से हम कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस जो हमें मिल रहा है 21 EMA से वो प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल बिटकॉइन थोड़ा बहुत ऊपर गया है एंड इथेरियम बीटीसी चार्ट पे पैरेलल मूव दिखा रहा है, तो थोड़ा बहुत सुबह से अभी मामूली बढ़त दिखा रहा है इथेरियम, बट स्टिल वी आर इन द जोन ऑफ $2,000। ज्यादा चांसेस हम रिटेस्ट करने वाले हैं आने वाले 1-2 दिन में भी। बट अगर बिटकॉइन जो लेवल मैंने बताया $34,600 अगर वो उसके ऊपर जाता है तो इट हाई पॉसिबिलिटीज कि हम इसी लेवल को रिटेस्ट करते करते रहें आने वाले 1-2 दिन में भी। बट अभी सकोष्टी का RSI नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो इट हाई प्रोबेबिलिटी कि साइडवेज एक्शन मेंटेन रहेगा, क्योंकि RSI जो है अभी 46 के आसपास है एंड डेफिनेटली ये वापस से रीअटेम्प्ट ट्राई कर रहा है 50 का RSI लेवल। अगर ये सक्सेसफुल होता है 50 के अब जाने में, देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अपवर्ड मूव। अदरवाइज जिस हिसाब से MACD दिख रहा है इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि हम यहाँ पे साइडवेज एक्शन में फंसे रहे 1-2 दिनों तक। एंड अगर अगर बिटकॉइन सपोर्ट लेवल को यू नो रेजिस्टेंस लेवल से हमें हाई रेजिस्टेंस मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, तो इथेरियम भी अपने यूएसडी चार्ट पे आपको कॉल बैक करते हुए दिखेगा $2,000 के आसपास। एंड एक बार वो लेवल को रिटेस्ट करने लगेगा तो इट हाई पॉसिबिलिटीज कि हम नीचे भी जाएं, लेकिन फिलहाल $2,000 इज द क्रूशियल वन अगर कोई वर्स्ट केस सिनेरियो आता है, एंड अदरवाइज पूरे दिन हम इसी लेवल को रिटेस्ट करते रहेंगे। गाइस इस सब चीजों को माइंड में रखना एंड जो लेवल्स मैंने आपको बताया बिटकॉइन के चार्ट पे वो इंटरेस्टिंग होगा कि क्लोजर कहाँ पे मिलता है एंड उसके हिसाब से थ्रू आउट द वीक का चीजें पैटर्न जो है ऑलमोस्ट प्ले आउट करता हुआ दिखेगा। लेकिन अभी हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम 1 आवर के चार्ट पे जिस हिसाब से 4 आवर के चार्ट पे जिस हिसाब से चीजें हैं और जिस हिसाब से RSI प्ले आउट कर रहा है, अगर आज का दिन का क्लोजर हमें अपसाइड मूव देखने को मिलता है 50 के RSI के आसपास क्लोजर मिल जाता है बहुत अच्छा माना जाएगा, एंड देन वी विल सी कि कल के दिन कैसे क्या पॉसिबिलिटीज है। बट फिलहाल आज के दिन मुझे अपसाइड ही क्लोजर देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्रीन कैंडल क्लोज करते हुए दिखेगा बिटकॉइन। तो इसके ऊपर कोई भी अपडेट होगा तो मैं सबसे पहले आपको डेफिनेटली टेलीग्राम या ट्विटर पर अपडेट करूंगा, तो मैं मेक श्योर कर लेना कि इन दोनों प्लेटफॉर्म पे आप जरूर फॉलो कर लो चैनल को। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।